गाड़ी तो ज़रा चेक कराए सर। अच्छा मैं पर्सनली तौर पे आपको बताता चलूँ कि अभी तक होंडा की गाड़ी, बाकी नो डाउट कि मैंने कार्स में तो होंडा को हमेशा ही जो है वो अप्रिशिएट करता था, लेकिन ये जो वैन है होंडा ने इसमें भी कमाल कर दिया है। ऑसम, आउट क्लास। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं हाई जेट के साथ या एवरी के साथ तो नो कंपैरिजन। कंफर्ट जोन और एक समझ लें कि जो स्मूथ ड्राइव है बिना किसी शोर के, तो जो बाहर का शोर है, या आप यकीन करें कि कितनी स्मूथ ड्राइव है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और फिर अंदर की जो इसकी कैपेसिटी है, सारा सिस्टम है इसका, ये देखें इसमें बहुत अच्छा एक सिस्टम है, मैं बाद में इसका पूरा रिव्यू दूंगा इसको। ये देखें पूरा एक ये नीचे आ जाता है। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग है इसमें, ठीक है, पावर विंडो है, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। अभी मैं इसको ड्राइव करके आया था और कल मैं इसको दोबारा इसका एक रिव्यू बनाऊंगा। बहुत अच्छी गाड़ी है। और मैं भी दुआ गो हूँ कि पास साहब ने जिस मकसद के लिए इस गाड़ी को लिया है, खुदावंद इनका वो मकसद जो है वो ज़रूर पूरा करे और इन्हें और इनकी टीम को बड़ी बरकत दे। सर बाय बोल दे सर सबको। सर बाय 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 बाय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।